दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश की पुकार चैनल में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं जो हिंदू राष्ट्र की रट लगाने वाले लोग हैं वो कौन हैं, कौन चाहते हैं संविधान को बदलना और क्यों चाहते हैं, इनका कहना क्या है और इनका मकसद क्या है, और कौन है जो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और साथ में संविधान को बदलना चाहते हैं। इनकी मंशा है संविधान बदल जाए और संसद में वेदों का उच्चारण हो और धर्म की ध्वजाएं लहराएं। कौन ऐसे लोग हैं, ऐसा क्यों चाहते हैं और क्या मकसद है इनका, दोस्तों इस बात को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। हम 85% लोगों से आह्वान करना चाहते हैं और 85% ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुजन समुदाय हैं जो जिनका हक और अधिकार 15% लोगों ने कब्जा कर रखा है और वही लोग हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। और 15% लोगों का कहना है कि संविधान बदल जाए, हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो जाए, और पता नहीं कैसे हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है इनकी, वो आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इस संविधान को इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि संविधान आने के बाद जो देश में परिवर्तन हुआ है, संविधान लिखे जाने से पहले, लागू होने से पहले हमारे यहाँ का जो नियम कानून था मन स्मृति के आधार पर आधारित था, अर्थात धर्म के आधार पर चलता था। वही मांग इनकी है, मन स्मृति के अनुसार कानून चले और संसद में सब जगह धर्म ही धर्म हो, मतलब कि जैसे मनुस्मृति का नियम लागू पहले था वही नियम पुनः लागू हो, और जो हक अधिकार 85% लोगों को मिला हुआ है वो हक अधिकार छीन जाए, ऐसी मंशा है। लेकिन वो इस बात को छुपाते हुए ये कहना चाहते हैं कि धर्म की ध्वजाएं चारों तरफ लहराए, हिंदू भावना जागृत हो, इसी भावना को लेकर के संविधान बदलो, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, तीर्थ पुरोहितों के राष्ट्रीय अधिवेशन में पवित्र रुगणिया आह्वान करते हैं इसी बात को लेकर के कि हिंदू संकट में है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए, संविधान बदल जाना चाहिए, सभी जगह ध्वज लहराए और आरएसएस का झंडा लहराए। उनका मकसद यह है संविधान का तिरंगा ना लहराए, इनका मकसद यही है दोस्तों। तो हमें सभी देशवासियों से जो 85% लोग हैं जिनका हक अधिकार छीना गया था और आज भी उसी छीनने की प्रवृत्ति इनके अंदर है और हिंदू राष्ट्र के एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि पुनः वही, जब संविधान लागू नहीं था उससे पहले जो व्यवस्था थी मनुस्मृति के अनुसार काम हो रहा था, नियम कानून चल रहे थे और जात प्रथा के अनुसार किस जात को कितनी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, कौन जात क्या करेगा, कौन गलती करने पर किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, किस जात को कितनी सजा मिलनी चाहिए, और निम्न कास्ट के लोगों को अगर वही गलती करते हैं तो उनको कितनी सजा मिलनी चाहिए। कहने का मतलब हमारा यह है कि जो मनुस्मृति विधान था, संविधान नहीं विधान इसलिए कहता हूं कि धर्म विशेष के लिए लिखा गया विधान, जात विशेष के लिए लिखा गया विधान, किसी एक जाति को प्रलोभन देने वाली एक जात के पक्ष में लिखा गया विधान, नियम कानून, किसी एक जात को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से लिखा गया विधान, मनुस्मृति का विधान पुनः लागू हो, इनकी यही मंशा है। तो 85% लोगों से हम आह्वान करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, बहुत बारीकी से ही बात को समझने की जरूरत है कि जो प्रवीण तोगड़िया ने जो बात कही है उस बात को आप लोगों के समझ रखता हूं और विचार कीजिए उनकी मंशा क्या है। हिंदू एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हों तो हिंदुत्व की भावना आएगी, चारों धर्म ध्वजाएं लहराएंगे, संसद भवन में वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देगी, देश में हर साल यात्रा करने वाले 20 करोड़ हिंदुओं का सम्मान मिलेगा, धर्म की
परंपराओं को जीवित रखने के लिए युवा शक्ति आगे आकर कार्य करे। तो दोस्तों समझ ही गए होंगे, इनका मकसद यही है कि जो धर्म पहले अच्छे से प्रफुल्लित हो रहा था और इनका मान सम्मान हो रहा था, लेकिन संविधान आने से जो वंचित वर्ग है इन लोगों को सत्ता सम्मान बढ़ रहा है, इनको बहुत तेजी से ये बात अखर रही है, चुभ रही है। संविधान इतना ला करके संविधान सबके लिए समान जो नियम कानून बनाए गए हैं, ये बातें इनको चुभ रही हैं, इसीलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। दोस्तों हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में कौन साथ दें कौन ना साथ दें, 85% लोगों से यही इस बात समझाने की ज़रूरत है। आप चिंतन मनन कीजिए, आपको जो हक अधिकार मिला हुआ है ये संविधान की बदौलत मिला है। अगर संविधान चला जाएगा तो मनुस्मृति में लिखी हुई बातें, लिखा हुआ नियम आप पर लागू होगा और धर्म के हिसाब से आप धर्म ही कानून बनकर आएगा, और वो कानून ऐसा होगा कि अगर एक वही गलती अगर कोई ब्राह्मण करता है तो उसके लिए कोई नियम दूसरा होगा, अगर वही गलती कोई ठाकुर बिरादरी का करता है उसके लिए कोई नियम दूसरा होगा, अगर वही गलती वैश्य को अगर करता है, मतलब वर्ण के चारों जो चार हैं, मतलब कि वर्ण हैं, उन्हीं के हिसाब से नियम बनाए जाएंगे और सबके लिए एक ही गलती पर अलग अलग दंड का प्रावधान होगा। ये बात समझने की ज़रूरत है दोस्तों, हम यही चाहेंगे दोस्तों, इसे बहुत बारीकी से समझें। और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करने वाले जो लोग हैं वो आरएसएस के लोग हैं, वो किसी कभी भी ना संविधान का सम्मान किया है ना ही देश के चलने वाले तिरंगा का सम्मान किया है। दोस्तों जिसके आधार पर ये देश चल रहा है उसका नहीं सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा से बच कर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ ही रहे हैं और इतना जकड़ जाएंगे फिर कभी आज़ाद होने की कल्पना नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, हिंदू राष्ट्र मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये लिखी हुई बातें न्यूज में निकली हुई बातें हैं, कब निकली हैं 2011 में दोस्तों ये बातें आई हैं सामने, और तब से लगातार जो मुहिम चल रहा है आज किस पोजिशन में पहुँच चुका है आप इससे अनभिज्ञ नहीं हैं, इस बात को समझ दोस्तों। अगर ये मेरी बातें जरा सी भी आपके पल्ले पड़ रही हैं, आपको लगता है कि ये बातें और लोग जाने, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आपसे यही आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटे को दबा दें ताकि लेटेस्ट जानकारी सप्ताह मिलती रहे, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।